नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तिरुपति मंदिर सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहते हैं तिरुमला पर्वत पर भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के रूठ जाने पर भेष बदल कर यहाँ आए थे। यह मंदिर पहाड़ की सातवीं चोटी जिसे वेंकट चला के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में समुद्र तल से 3,200 फीट ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं। बालाजी की प्रतिमा का पिछला हिस्सा हमेशा नम रहता है। देखने से प्रतीत होता है कि भगवान की मूर्ति गर्भगृह के बीच में है, लेकिन वास्तव में बाहर से जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह मंदिर दाईं ओर स्थित है। बालाजी की मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले फूलों और तुलसी के पत्तों को भक्तों में ना बांटकर पीछे बने पुराने कुएं में फेंक दिया जाता है। गुरुवार के दिन स्वामी की मूर्ति को सफेद चंदन से रंग दिया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो मूर्ति पर माता लक्ष्मी के चिन्ह बने रह जाते हैं। इस मंदिर में एक दिया कई सालों से जल रहा है। किसी को नहीं ज्ञात है कि इसे कब जलाया गया था। दोस्तों, तिरुपति बालाजी को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार माना जाता है कि मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक संपत्ति है। इतना धन होने के बावजूद भी मान्यता है कि बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में डूबे रहेंगे। बालाजी के कर्ज को चुकाने के लिए भक्त इस मंदिर में सोना और बहुमूल्य दान करते रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर देश विदेश से भक्त रोज लाखों की तादाद में आते हैं और कभी कभी यहाँ पर विशेष दिनों में रहने के लिए रूम भी नहीं मिलते और मंदिर के प्रांगण में ही रात बिताते हैं। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने की इच्छा रखते हो तो हमेशा आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाएं, वरना बिल्कुल ना जाएं। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन नारायण नमो नमः। दोस्तों, आपको हमारी यह तिरुपति बालाजी से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।